अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल स्तर का पथ संचालन निकाल रहे हैं। स्वयंसेवकों ने 8-10 गांवों को मिलाकर एक मंडल बनाया है। नागदा क्षेत्र में लगभग 10 मंडल हैं। इन सभी मंडलों में प्रतिवर्ष पथ संचालन निकाला जाता है। रविवार को ग्राम बनबना में पथ संचालन निकाला गया, जिसमें 8 गांवों के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए नागदा नगर सह कार्यवाह संतोष शर्मा ने हिंदू समाज के संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, पर्यावरण एवं कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर और तेज गति से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज और राष्ट्र का भला होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि विश्व में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। देश का भविष्य हिंदू समाज ही तय करेगा। हिंदू समाज के संगठन से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। इस मौके पर उपखंड कार्यवाह गोविंद सिंह भी मंचासीन रहे। इसके अलावा उपखंड टोली के पंकज जैन, दिलीप सिंह, भाजपा मंडल ग्रामीण अध्यक्ष संदीप व्यास, भवर चंद्रवंशी, रवि व्यास, भरत निबोला, अजय पाटीदार, सचिन पाटीदार, विजय बर्गी, रणछोड़ गुजराती, सरपंच शिव नारायण चौधरी, भगवान सिंह, अंजना गोविंद, अंजना मोहर सिंह चावड़ा, कैलाश जाट, आनंद व्यास, लखन पाटीदार, प्रकाश परमार स्वयं सेवक पद संचालन में शामिल हुए।